हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इटैक कंप्यूटर एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ चल रही है कंटिन्यू। पिछली लास्ट वीडियो में हम लेके आए थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रेफरेंस मेन्यू, जिसमें हमने फुट नोट और एंड नोट वगैरह ये सारी चीज़ें समझाई थी रेफरेंस मेन्यू की। आज हम उसके कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं एमएस वर्ड में क्या क्या चीज़ चलती है। सबसे पहले विन वर्ड को ओपन करते हैं, विंडो आर दबा के विन वर्ड। उसके बाद रेफरेंस, रेफरेंस के अंदर ये टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुट नोट, एंड नोट, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। जैसे कि हमने वीडियोस में बताया था कि ये वाला जो पोर्शन होता है, ये सारा का सारा ये बुक्स राइटर्स के लिए होता है जो बुक्स को टाइप करते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन लास्ट वीडियो वाला देख देते हैं, पैराग्राफ लगा देते हैं। पैराग्राफ लगाने के बाद में जैसे कि ये है सबसे पहला सिटेशन। सिटेशन होता क्या है? जैसे कि कोई भी हमने ऑथर का नाम देना है, जैसे कि न्यू सोर्स, कोई एक सोर्स रेडी कर देते हैं बुक्स की, कोई किसी ने आर्टिकल लिखा है या कोई एक सेक्शन है और उस पे हमने उसका ऑथर का नाम देना है लिखने वाले का, तो वो सारी डिटेल हम यहाँ से फिल कर सकते हैं क्रिएट सोर्स से। ऑथर का नाम यहाँ दे देते हैं, जैसे कि अरुण, टाइटल दे दिया हमने सेक्शन का, ईयर 2020, सिटी मोदी नगर, पब्लिशर जो भी है और लाल वगैरह, ओके किया। देन अब आपने क्या किया कि जो सिटेशन थी वो आप देख सकते हो इस जगह पे, यहाँ पे शो कर गई है। अब उसको अगर आपने चेंज करना है, ठीक है, एडिट सोर्स, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ पे पेजेस के अकॉर्डिंग। फिर ये मैनेज सोर्स, ये जितनी चीज़ें हैं, जितनी भी सिटेशन हमने यहाँ पे बनाई हुई हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि इनको करंट लिस्ट में रखा जाए या इनको डिलीट कर दिया जाए, वहाँ से हटानी है, तो आप यहाँ से डिलीट कर दो, लेकिन मास्टर लिस्ट से नहीं हटानी चाहिए। अगर आपने मास्टर लिस्ट से हटा लिया तो वो यहाँ से भी गायब हो जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी। इसको यहाँ पे करंट लिस्ट में से हटाने के बाद में इसको हम काम कर सकते हैं। ये इसका फॉर्मेट है, इसमें जैसे आप देखोगे थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा जरूर, ठीक है, जिसमें स्पेस वगैरह बढ़ जाता है। ऐसी ही बिब्लियोग्राफी है, इसका स्टाइल्स वगैरह चेंज करने के लिए बिब्लियोग्राफी में यहाँ पर इस तरीके से ही आ जाएगा पूरा का। फिर टेबल फिगर, जैसे कि हम कोई भी एक बुक्स बनाते हैं उसके ऊपर हमने कोई पिक्चर वगैरह या कोई एक डायग्राम वगैरह बना देते हैं, तो वो फिगर के लिए सारा का सारा ऑप्शन होता है यहाँ पे कैप्शन। मार्क एंट्री, कोई हमने एंट्री करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी मार्क, मेन एंट्री और सब एंट्री, वो आपके पेज के लास्ट में यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर कोई इंडेक्स है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, किस हिसाब से आपने बनाना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा सिटेशन, वापस से कोई भी अपनी छोटी मोटी सिटेशन है, जैसे कि यहाँ पे हमने डाल दिया और सन्स मार्क, अब जहाँ पे भी आर सन्स की सिचुएशन होगी वहाँ पे ये मार्क लग जाएगा। इंसर्ट टेबल ऑथोरिटीज, जितनी भी ऑथोरिटीज हैं यहाँ पे अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, ओके फ्रेंड्स। ये सारा का सारा इतना सा ही ऑप्शन था ये वाला रेफरेंस वाला। इसके बाद हम अपने वीडियोस में ये लेके आएंगे मेलिंग। मेलिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मेल मर्ज के लिए, आप इस वीडियो को कंटिन्यू पूरी की पूरी देखिएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपके प्रोफेशनल लाइन में यूज। थैंक यू।